नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ चुका है, तो डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए एनटीए के वेबसाइट पर डेली नई नोटिफिकेशंस आ रही हैं और आप लोग उन्हें जैसे कि देख रहे हैं और आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। तो जो भी नोटिफिकेशंस नई आ रही हैं, मैं आप लोगों के सामने जल्दी से जल्दी लेकर आने की कोशिश करता हूँ, जैसे भी होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ई काउंसलिंग एसएस एंड फॉर एनएसएस, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आप लोगों के बच्चे जो आपका दिखा रहा है स्कोर कार्ड, कि बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं, तो पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि अब आगे क्या करना है हमें। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपके काउंसलिंग के थ्रू ही जो आपका पेज, आपको जहाँ जाना है वो मैंने ओपन करके रखा है। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर करना है और कैसे आप लोगों का प्रोसेस क्या होगा, और अभी वेबसाइट ने क्या क्या अभी गाइडलाइंस जारी की है, ठीक है। तो चैनल पर बने रहने के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, जिससे कि आप लोगों के लिए मैं जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को वेबसाइट खोल कर दिखा देता हूँ एक बार। तो कल मैंने जो आप लोगों के सामने एक लिस्ट जारी की थी, लगभग 1500 पेजेस की थी, उसमें सबसे नीचे जो आपका पेज था उसमें आपकी नोटिफिकेशंस कुछ थे। उसमें एक आपकी वेबसाइट भी दी हुई थी जिसमें आपको ई काउंसलिंग के लिए लॉगिन करना होगा, ठीक है। क्योंकि एनटीए ने जो जारी करना था लिस्ट, सब कुछ जारी कर दिया है। अब उसने बता दिया है कि आपको उस वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा ई काउंसलिंग के लिए। तो उसी के पर्पज से मैं आप लोगों के सामने आज दिखा रहा हूँ किस तरह से आप लोगों को लॉगिन करना है। यहाँ पर मैंने वेबसाइट कॉपी की थी, तो ये वेबसाइट आपकी है https://mes.ncog.gov.in/sainikschool-e-counseling। ये आपके जो सबसे लास्ट पेज है उसमें ये वेबसाइट दी हुई है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, वहां से आप लोग देख के डालेंगे तो तुरंत ये खुल जाएगी। उसके बाद आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब ये पेज खुलकर आ गया तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली फॉर स्कूल्स। तो ओनली फॉर स्कूल्स को देखकर कई पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं कि अब काउंसलिंग चालू हो गई है और मेरे बच्चे का नहीं हो पा रहा है, ऐसी प्रॉब्लम है, कई पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर दिखा हुआ है कैंडिडेट एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आर कैंडिडेट्स विल कमेंस ऑन द आफ्टर 6 मार्च 2023, काइंडली विजिट पोर्टल रेगुलरली फॉर लेटेस्ट शेड्यूल। ओके, तो कोई भी लेटेस्ट शेड्यूल आता है तो उसके लिए आप अभी इस पर बने रहेंगे पोर्टल पे। मैं लॉगिन करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि लॉगिन मैंने किया तो यहाँ पर देखिए ऐसा पेज खुलकर आएगा, लेकिन अभी क्या दिखा रहा है यहाँ पर दिखा रहा है साइन इन ओनली फॉर स्कूल्स। तो साइन इन अभी सिर्फ स्कूल्स के जो है उनके लिए है, और यहाँ पर दिखा रहा है ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट विल कमेंस ऑन और आफ्टर 6 मार्च 2023। मतलब आप रजिस्ट्रेशन जो है 6 मार्च 2023 के बाद ही कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि साई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल ओनली बी एबल टू साइन इन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। मतलब जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वही, मतलब क्वालिफाई कर चुके हैं वही बच्चे रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है, इसके लिए एबल होंगे। फिर आखिरी में कह रहा है आपसे कि शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी अपलोडेड शॉर्टली। अभी मतलब इनका जो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है वो इन्होंने अपलोड नहीं किया है। तो प्लीज आप लोग परेशान ना हो, यहाँ पर एक पेज जो आ रहा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जब आप साइन इन करेंगे यहाँ पर आ रहा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या लिख कर आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर ये ऐसी फॉन्ट में है, ऐसा कलर है कि थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है लोगों को, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्कूल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्कूल में भी यहाँ पर इन्होंने पूरा दिया हुआ है।
क्या इनका ईमेल आईडी है, क्या कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो ये इन्होंने पूरा यहाँ पर जारी कर दिया है, अगर किसी ने कहीं से उसका होने वाला है या फिर नंबर अच्छे हैं और वो कोई जानकारी चाहता है तो वो कर सकता है यहाँ पर कॉल ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी पे मेल कर सकता है। बाकी अगर आपको कोई रिलेटेड प्रॉब्लम और भी आती है इसके अलावा कि मैं कैसे मेरा हुआ नहीं या फिर कुछ, तो इन्होंने एक और चीज दी है आपको कॉन्टेक्ट के लिए, यहाँ पर देखिए ये है कॉन्टेक्ट अस, आप कर सकते हैं ईमेल आईडी admission@sainikschoolsociety.in पर, ठीक है, इनका ऑफिस इन्होंने दिया है, बाकी ये ठीक है ओके। तो अगर कोई प्रॉब्लम और आती है तो आप मेल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनके ईमेल आईडी पर। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने थोड़ा लेके आया था क्योंकि कई पेरेंट्स परेशान थे इसको लेकर, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया कि ये एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को मैं सॉल्व कर सकूँ, और मुझे लगता है कि आप लोगों की जो दिक्कत रही होगी वो मैंने सॉल्व की होगी। और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और जो बच्चे भी सैनिक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर स्कॉलरशिप चल रही है तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है। ओके, धन्यवाद।